আমাদের সবাইকে বিজয় দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। বাংলাদেশ এবং পতাকা পাওয়ার পিছনে আমাদের অনেক চট্টগ্রাম মানে চট্টগ্রাম মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় এসে যে যুদ্ধ হয়েছে তার বাহিরে প্রোটেকশনগুলো ছিল, পাকিস্তানিরা আমাদের উপর অনেক নৃশংস অত্যাচার করেছিল, এই ট্রেনিং নিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। ৯৯,০০০ সৈনিক সারেন্ডার করলো, আমাদের মনোবল কিন্তু সবসময় অনেক বেশি ছিল, না থাকলে আমরা এই স্বাধীন দেশে থাকতে পারতাম না। স্বাগতম সবাইকে, আপনাদের সবাইকে বিজয় দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আর আমাদের এই বিজয় দিবস বাংলাদেশ এবং পতাকা পাওয়ার পিছনে আমাদের অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে, আর এই ইতিহাস নিয়ে গবেষণার একটি ভিডিও তৈরি করেছেন খান জিএস রিসার্চ সেন্টার। তো চলুন আমরা সবাই রিসার্চ সেন্টারের এই ভিডিওটি দেখে আসি তারা কি বলেছে আমাদের দেশ সম্পর্কে এবং আমাদের পতাকা সম্পর্কে, আমাদের সংগ্রাম ইতিহাস সম্পর্কে। जय हिंद। सबसे पहले एक वार्निंग, भैया पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को ना देखें तो ही अच्छा है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हमारे भारत के वीर सिपाहियों ने, दो सैनिकों ने मिलकर पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को घुटने टेका दिया था और दुनिया का सबसे बड़ा हार हुआ था और भारत के 2 सैनिक मारे गए थे लोंगेवाला में। हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे PNS गाजी को डुबा दिया गया, ये भी बताएंगे कि चाइना पाकिस्तान का इतना बड़ा दोस्त बनता है लेकिन 1971 में क्यों नहीं बचा पाया, ना चाइना पाया और ना ही अमेरिका बचा पाया। इस वीडियो में हम A to Z बातें करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो कोई भी पाकिस्तानी की हैसियत नहीं होगी कि आपसे आंखें मिला सके। इस वीडियो को देखते रहिएगा। यदि आप राष्ट्रवादी, अगर आप भारतीय हैं तो ही इस वीडियो को देखें। पाकिस्तानी और बाहर के चाइनीज वगैरह लोग इस वीडियो को न देखें, ये उनके लिए एक तरह का वार्निंग है, क्योंकि इसमें हम भारतीय सेना के हर उस वीर गाथा को बताएंगे जो एक हर भारतीय सुनना चाहता है। A to Z उस बातों को बताएंगे। पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें तो भैया आप देख लीजिए, यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी, और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल, भाई किससे मैच करता है तो आप तो समझ में आ गया, भाई बुरा नहीं मानिएगा आप लोग। हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया था कैलाश मानसरोवर के ऊपर लेपुलेख विवाद जो चाइना के साथ हो रहा है। इस वीडियो को फेसबुक पर 55 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा, अलग अलग लोगों ने अपने फेसबुक हैंडल से इसको शेयर किया और नेपाल के लोगों को पता चला कि हाँ भैया इंडिया नेपाल का रियल पोजीशन क्या है। तो हम आपसे भी यही चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने इस वीडियो को वायरल किया था, 5 मिलियन से ज़्यादा फेसबुक पर फैला दिया था इस चीज़ को, उसी तरह आप लोग पाकिस्तान का जो वीडियो बनाने जा रहे हैं इस वीडियो को भी पूरे तरह इतना वायरल करिए कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता चले कि भैया उनकी औकात क्या चीज़ है। ध्यान से समझिए, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसी समय पाकिस्तान 2 भाग में था। एक इधर वाला जो एरिया है इसे हम लोग कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान, जो मेन पाकिस्तान का एरिया है, और ये जो आज आप बांग्लादेश देख रहे हैं ये बांग्लादेश नहीं था, बल्कि ये उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली भाषा को बोलते थे। पाकिस्तान के लोग इन लोगों को बड़ा भद्दे मजाक करके बोलते थे, कहते तुम लोग गधे हो, कुछ नहीं जानते हो, किसी काम लायक नहीं हो, यूजलेस हो लोग, तुम लोग छोटे हो, काले हो, मतलब उल्टा सीधा मजाक कर रहे थे। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग इधर के लोगों को पसंद नहीं करते थे। हो गया नहले पे डाला 1970 में। 1970 में इस पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए और वो यहाँ के प्रधानमंत्री के पद के चुनाव जीत गए। अब यहाँ की आर्मी ने क्या किया, उनको शपथ ही नहीं दिला रहे थे, इसलिए 70 के चुनाव जीतने के बाद शेख मुजीबुर रहमान जब देखे कि ऐसा है तो उन्होंने अपना भाषण दिया 7 मार्च को और कहा कि अब हम इस पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बांग्लादेश। इस भाषण के वजह से आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने 25 मार्च 1971 को गिरफ्तार करके और पश्चिमी पाकिस्तान में अरेस्ट करके बंदी बनाकर रख दिया और यहाँ पर जुल्म करना चालू कर दिया। बंगाल में, पूर्वी पाकिस्तान में, बंगाल में नहीं, पूर्वी पाकिस्तान में इन्होंने जुल्म करना चालू कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान के गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ मुक्ति वाहिनी नाम कर एक विद्रोही गुट तैयार हो गया था, लेकिन पाकिस्तान के, पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने इस पूर्वी पाकिस्तान पे इतना भयानक जुल्म किया कि इस पूर्वी पाकिस्तान में इस पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पर 30 लाख लोगों को कटवा दिया, 30 लाख लोगों को कटवा दिया, 4 लाख महिलाओं का बलात्कार कर दिया। अपने देश के 4 लाख औरतों का रेप किया यहाँ पे। इतना भयानक वो दृश्य है कि अगर हम उसको यूट्यूब पे दिखा देंगे ना तो यूट्यूब हमारे ऊपर क्लेम करेगा भैया आप ये सब इतने भयानक दृश्य नहीं दिखा सकते, आप अंदाजा लगाइए इनकी क्रूरता का। ये अपने देश पर इतना भयानक जुल्म कर रहे हैं, इतना भयानक जुल्म किया इन लोगों ने के शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद। इस जुल्म का नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 1971 तक भारत में यहाँ से लोग भाग के आ गए कि भैया हम जिंदा रहेंगे तब तो, और यहाँ 10 लाख लोग भारत में आ गए शरण लेने के, भैया हमको बचाइए। तो इंदिरा गांधी जानती थी कि जब तक यहाँ शांति नहीं होगा तब तक ये लोग वापस नहीं जा सकते थे, और शांति का एक ही था कि यहाँ पे घुस के इनको मारा जाए ताकि ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग यहाँ पर सुधर सके। तो इंदिरा गांधी ने इसके लिए बात की जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ से। उन्होंने सेना प्रमुख मानेकशॉ से कहा, सैम मानेकशॉ से, कि आप अभी युद्ध कीजिए, हम आदेश देते हैं आप अभी युद्ध कीजिए बांग्लादेश पे, हम अपने पड़ोसियों को इस तरह मरते नहीं छोड़ेंगे, आप इस पर हमला कीजिए। उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान था। मानेकशॉ ने कहा कि नहीं, हम हमला नहीं करेंगे। कही अरे क्यों? कहा कि आप महीना देख रही हैं, अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने का मतलब बरसात का दिन सर पे है, और बरसात के समय पूरब का हाल क्या होता है, एकदम भयानक बाढ़ आ जाती है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि सिकंदर की फौज भी हाथी लेके आई थी और कीचड़ में फंस गई थी कि अगर यहाँ हम लड़ जाते हैं तो यहाँ बरसात रहेगा, हम यहाँ उलझ जाएंगे, ये एरिया सूखा रहेगा, चाइना का ऊपर से एरिया सूखा रहेगा, ये हमला कर देंगे, हमको तीन ओर से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा कि आप 2-3 काम कर लीजिए, कब तक के लिए कि नवंबर तक हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अप्रैल से नवंबर के बीच में हम अपने सैनिकों को इस एरिया में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं, मुक्ति वाहिनी उसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इसी में 1971 में हमारी जो थी भारत और रूस की एक समझौता पर हस्ताक्षर हो गया। अब हम लोगों ने पाकिस्तान को एक बारूद के ढेर पर बैठा दिया था। इंतजार था तो इस बात का कि उस बारूद में एक चिंगारी की और पाकिस्तान तबाह हो जाता। इत्तेफाक देखिए, उस बारूद के ढेर पर खुद चिंगारी जलाई पाकिस्तान ने। कैसे? तो समझिए कैसे। हम लोग का था कि इधर हम लोग ऑफेंसिव हो जाएंगे, मतलब इधर भयानक हमलावर हो जाएंगे, और इधर हम लोग डिफेंसिव रहेंगे, मतलब इधर कम हमला करेंगे, ताकि हम लोग का मेन मकसद पाकिस्तान से युद्ध नहीं था। हमारा मेन मकसद था हमारे अपने बांग्लादेशी भाइयों पर जो जुल्म हो रहा था, जो उनकी बहनों को रेप हो रहा था, इतना भयानक किया था वहाँ पर पाकिस्तानियों ने कि बाप के सामने बेटी का रेप करते थे और उसके बाद बाप को मार के कहते थे तू भी रेप कर। इतना मतलब मानवता पूरी खत्म कर दिया गया वहाँ पर। तो भारत ने कहा कि इधर हम डिफेंसिव रहेंगे। पाकिस्तान को ये खबर लग गई कि भारत ना इधर कमज़ोर है। अरे भैया, इधर हम कमज़ोर थोड़ी हैं, इधर कम सैनिक रखें और इधर हम भयानक रखें, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कमज़ोर हो जाएंगे। भैया कहा जाता है ना कि सोनार के घर का कचड़ा भी बनिया के बादाम से महंगा बिकता है। देखिए, हम लोग ठंडी का इंतजार ही कर रहे थे कि पाकिस्तान ने गलती कर दिया। उसने 3 दिसंबर को अचानक हमला कर दिया श्रीनगर पर, पठानकोट पर, चंडीगढ़ पर, यहाँ पर आगरा हवाई अड्डे पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एयरफोर्स का इतना भयानक हमला पाकिस्तान का भारत पर हुआ कि भारत देखते रह गया। धड़ पाकिस्तान की जहाजें एंट्री मार गई सब भारत में, उसकी एयरफोर्स एंट्री कर दी। इतना भयानक हमला था, इतना भयानक कि भारत का एक भी सैनिक नहीं मरा। समझ रहे ना कितना भयानक हमला था। अरे भाई, आप यहाँ पर घुस जाएंगे हमारे देश में तो क्या हो जाएगा भैया? मूस मोटैन लोढ़ा हुईन, हाथी घोड़ा थोड़े हुईन। भारत तो इसी का इंतजार कर रहा था। देहात में कहावत कहा जाता है कि रोए के रानी तले अखिए खुदा गई। भैया हम प्लाने कर रहे थे कि हमला करने के लिए कि आप हमारे पे हमला करिए दीजिए। अब विश्व का भी दबाव नहीं आएगा हमारे ऊपर कि भैया हमला तो आपने किया है, अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं। भारत एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया। इसी बीच पाकिस्तान को एक खतरनाक खबर लग गई। क्या थी खबर भाई? तो देखिए, पाकिस्तान को खबर लगी कि भारत की ज़्यादातर फौज इस पूर्वी पाकिस्तान की ओर डिप्लॉयड है, और यहाँ राजस्थान के जैसलमेर जिला में एक जगह है लोंगेवाला। उस लोंगेवाला में केवल और केवल 120 फौजी हैं, और अगर पाकिस्तान ने सोचा कि 120 फौजियों को हम रातों रात मार देते हैं तो उस समय एयरफोर्स रात में लड़ाई नहीं कर सकती थी, इसलिए इन्होंने लोंगेवाला में एंट्री मार दी पूरी भयानक टैंक लेकर, फौज लेकर, इन्फेंट्री लेकर, और उसको लोंगेवाला में घुसने के लिए चल दी। और लोंगेवाला में भारत के पास केवल 120 सिपाही थे, केवल 120, और उन पर वो हजारों की संख्या में टूट पड़े। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो जाएं, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती हैं। लोंगेवाला में जो ड्यूटी थी उस समय कुलदीप सिंह चांदपुरी जी का, कुलदीप सिंह चांदपुरी सरदार हैं, आप देखे होंगे बॉर्डर मूवी में इनका रोल सनी देओल ने किया है। अब ये कुलदीप सिंह, ये भैया पंजाबी सिख, अब ये लोग 1.25 लाख से नीचे कुछ सोचते ही नहीं है। चिड़िया नू मैं बाज लड़ावा, गिदड़ नू मैं शेर बनावा, और 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखावा। खबर आया कि आपसे जो लड़ने आ रहे हैं ना पाकिस्तान की ओर से, वो ब्रिगेडियर तारिक मीर आ रहा है, उसके पास टैंक है, 2800 फौज है, बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहा है। आपके पास केवल 120 जवान है कुलदीप सिंह, आप पीछे हट जाइए, आप पीछे हट जाइए, क्योंकि आपको हम न, आप बहादुर हैं इसमें नो डाउट, लेकिन आप कैसे लड़िएगा उतनी भयानक फौज के पास से। यहाँ उन्होंने कहा खालसा सिख नहीं हट सकते, हम दिखा देंगे कि हम 120 भी उन पर क्या पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे। इनके पास ना ही टैंक को उड़ाने के लिए कोई संसाधन थे, टैंक को मारने के लिए एक जीप पर लगा हुआ छोटा सा तोप था, और इनके पास 3 ठो माइंस लगे थे। माइंस, माइंस समझते हैं आप लोग, टैंक जो होता है ना बम, उसको उड़ाने के लिए माइंस लगाए जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये है माइंस, ये माइंस होते हैं, इस पर अगर टैंक चढ़ता है ना तो टैंक ब्लास्ट कर जाता है। तब इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने क्या किया, जो खाली रेगिस्तान था ना उसमें ना आगे की ओर 3 ठो ओरिजिनल माइंस को लगा दिया, और जो खाना खाने वाला टिफिन होता है ना 4 खंधे वाला, इसे उस टिफिन को इन लोगों ने रातों रात ना बिछा दिया ऐसे लाइन से। देखिए लाइन से पाकिस्तान की टैंक आई, तो शुरुआत में तो भैया ओरिजिनल माइंस था, धड़ाम से लगा, पाकिस्तान की टैंक उड़ गई, पाकिस्तान का एक टैंक उड़ा, फिर दूसरा उड़ा, तीसरा उड़ा। पाकिस्तानी एकदम डर गए सब। ब्रिगेडियर तारिक मीर कहें कि भैया यहाँ तो माइंस लगा के रखा है इन लोगों ने, एक काम करो इंजीनियरों को बुलाओ, पूरा माइंस निकालो। अब ब्रिगेडियर जो हमारे मेजर कुलदीप सिंह थे, ये जानते थे कि बाबू अगर हम तुमको रात भर रोक दिए ना तो सुबह हमारी एयरफोर्स आएगी, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए इन्होंने पूरा टिफिन बिछाया था। इन पाकिस्तानियों ने 6 घंटे लगा दिए उनको निकालने में। इंजीनियर आते थे तो डर के मारे टिफिन निकालते थे, अरे बाप रे बाप, और टिफिन में तो ईंटा पत्थर भर देते थे, और डर के ले जाते, अरे भागो भागो भागो, माइंस है माइंस है। इसको लगाते लगाते इन लोगों ने पूरी रात बिता दी। 3 बज गया, 3 बजे इनको पूरा सन्नाटा दिखा कि भैया ये तो टिफिन है, ये रेगिस्तान में ये तो टिफिन है। अब उन्होंने कहा कि आदेश दिया कि हमला करो। तो कुलदीप सिंह जो थे चांदपुरी, उन्होंने बालू के बीच में ऐसे गड्ढे बना रखे थे और अपने फौजियों को ना 2 किलोमीटर एरिया में बिछा दिया था, एक उधर एक इधर एक इधर, तो चारों ओर से फायरिंग होती थी। पाकिस्तानियों को लगी ना कि भैया हमको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया है, 120 गोली के ऐसे थोड़े मारेगा सब, सोच रहा उधर से गोली इधर से गोली, धड़ाधड़ बम गोला दारू सब चल रहा है यहाँ पर, इतना भयानक कहीं कोई 120 आदमी मिल के ऐसे मारता है? नहीं भाई, इतना भयानक सुनसान एरिया में कहाँ से कौन मार रहा है, एकदम तबाही मचा दिया। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने क्या तबाही मचाया था आप देखना चाहते हैं तो देखिए उन लोगों ने क्या तबाही मचाया था। ये है पाकिस्तान का टैंक, ये धज्जी उड़ गया था टैंक का, थुथुर तूर दिया इसका यहाँ पे। ये देखिए टैंक का, पाकिस्तानी देख रहे हैं कि भैया सब चक्का उक्का फेंका गया। बताइए ये चांदपुरी साहब को ऐसा करना चाहिए? ये कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं? मार के धज्जी उड़ा दिया। अरे पाकिस्तान बच्चा है, अपने बच्चा है, बिगड़ गया, आराम से मारिए, ऐसे एकदम धज्जी उड़ा दिए हैं बेचारा सबको। पाकिस्तान के टैंक को धज्जी उड़ा के उस पर भारतीय सैनिक खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था, फोटो खींचे। उस समय सेल्फी नहीं था ना, आगे से फोटो खींचे। यहाँ पे आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देगी। बताइए इतना सुंदर गाड़ी लेके आया था पाकिस्तान मारने के लिए, हाँ बेचारा ऐसे मारा जाता है? हाँ, अरे ब्रिगेड मेजर साहब आप भी बच्चा है, बच्चा को थोड़ा आराम से मारिए। देखिए इसका थोबड़ा बिगाड़ दिया गाड़ी का, ओहो, ऐसे नहीं मारना चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, बच्चा बिगड़ जाता है तो धोना ही पड़ता है। ये हाल कर दिया रात भर में, सोचिए रात में इतना बुरा मारा, दिन में दिखता तो पूरा एकदम भयानक तबाही मचा दिया मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने। इनके आगे कौन खड़े थे? ब्रिगेडियर पाकिस्तान के ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब को कहने लगे भैया ये तो बहुत बुरा मार रहा है सब। तब तक हो गया सुबह, और सुबह के वक्त हमारे जो हंटर जहाज थे, उस समय जो जहाजें थीं वो हंटर जहाज थी। ये हंटर जहाजें रात में नहीं उड़ सकती थी, लेकिन दिन में उड़ सकती थी। रात भर तक कुलदीप सिंह चांदपुरी ने ऐसा कूचा पाकिस्तानियों को, इतना कूच दिया कि भोर हुआ तो बाकी का कसर पूरा कर दिया हमारे हंटर विमानों ने। ये हंटर विमान जब आए सब तो इतना भयानक तबाही मचाए सब पाकिस्तान के जहाज़ों का कि आप हुलिया देखेंगे ना, पाकिस्तान के टैंक का ऐसे पड़ गया। टैंक पूरा तबाह हो गया, सब पूरी तरह ध्वस्त हो गया इतनी भयानक युद्ध में। 3 तारीख को पाकिस्तान ने हमले की शुरुआत की और ये 4 तारीख का शकल देखिए पाकिस्तान का, इतना भयानक धज्जी उड़ा दिया पाकिस्तान का जिसका कोई हद नहीं। पाकिस्तानियों को दुम दबा के भागना पड़ा, ब्रिगेडियर साहब भागे, कहें कि भाग भैया न तो ये सब जान ले लेगा सब। हम लोगों ने पाकिस्तान के टैंकों को अपने यहाँ रख लिया है म्यूजियम में, आज भी जाके देखिएगा ना तो इन टैंकों को डर के मारे पाकिस्तानी छोड़ के भाग गए कि भागो भाई यहाँ पर। ये 120 जवानों का जलवा था और पाकिस्तानी कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग क्या लड़ेंगे, अरे भैया हम चीन पे वीडियो बनाए थे, आप पे नहीं बनाए थे, जो आप लोग हम लोग को बोल रहे थे कि पाकिस्तान हिंदुस्तानियों की औकात नहीं। देखिए अभी हम आपको औकात दिखाते हैं आपकी, ये आपका टैंक है आके ले जाइए, हिम्मत है तो लेके जाके दिखाइए आप। हाल तो ये हो गया था ना कि हम लोगों ने जो पाकिस्तानियों की जान ली थी ना, डर के मारे वो लाश उठाने नहीं आए थे, लाश को गिद्ध खा गए थे सब। हम लोग बोल रहे थे कि भैया हम गोली नहीं चलाएंगे, लाश लेके चल जाओ, फिर हम नहीं जाएंगे, तुम लोग रेगिस्तान को कब्रिस्तान बना दिए हो। रेगिस्तान को कब्रिस्तान, हम लोग हमला करने आए थे, शुरुआत तो तुमने किया था रेगिस्तान, ये गिद्ध खाए थे सब, सफाई उफाई का काम ये किए थे सब। अब पाकिस्तान हम लोग को धमकी देता, आज भी वो नहीं सुधरे हैं, आज भी हमने जो चाइना पे वीडियो बनाया था उस पर वो हमको धमकी देता है कि भारत की आर्मी कुछ नहीं कर सकती। अरे भैया आप सोचिएगा भी मत, अभी के समय में तो मत सोचिएगा, जानते हैं क्यों, देख लीजिए इधर अभी कौन बैठा है भारत में, समझ में आ रहा है? आप लोग तो पहले पाकिस्तान वाले लोग इस बात पर रिसर्च कीजिए कि इनमें ज़्यादा खतरनाक कौन है आपके लिए, हमको तो यही ज़्यादा खतरनाक लगता समझ में आया आप लोग को? तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पर पाकिस्तान ने जो हार हुई थी लोंगेवाला में, ये हार में पाकिस्तान की तो कमर टूटी और पाकिस्तान का पूरा मनोबल टूट गया कि ससुरा 120 गो मिल के ऐसे कैसे धो दिया सब, बताइए इतना भयानक धोया जाता है। तो ये शुरुआत तो इन्होंने किया 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने धो दिया। अब बचा नेवी, नेवी कहे कि भैया आर्मी को मौका दिए, एयरफोर्स को मौका दिए, रात में आर्मी धोई, सुबह में एयरफोर्स धोई, हम नहीं धोएंगे क्या, हम भी धोएंगे। नेवी कब पहुंची, 5 दिसंबर 1971 को कराची पहुंच गए और कराची में जब पहुंची ना तो कराची को तबाह कर दिया। इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया कराची पर कि कई दिन तक कराची बंदरगाह पर आग लगा था और कराची बंदरगाह को तो उन्होंने ऐसा धज्जी उड़ाया जिसे लग रहा था सिंधु सभ्यता बना दिया उनको। तो पाकिस्तान की, पश्चिमी पाकिस्तान का कमर टूट गया। पाकिस्तान वालों ने कहा कि ससुरा सब बोल रहा था सर कि हम इधर डिफेंसिव है, यानी ज़्यादा हमला नहीं करेंगे, ज़्यादा हमला इधर करेंगे, ससुरा इधर कैसे मार रहा होगा सब, अभी इधर भी बताते हैं कैसे मारा सब। ये कराची पहुँच गया, आप देखेंगे क्या हाल किया था सब कराची पर। कराची में जब मारा गया था ना इन पाकिस्तानियों को, तो ये पाकिस्तानी भाग गए थे सब ग्वादर में, ये ग्वादर भाग गए। अभी इनसे ग्वादर भी जाने वाला है, पूरा राज्य चला जाएगा इनसे, बलूचिस्तान। छुप के गए थे लोग ग्वादर बंदरगाह पे। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो आप खुद पता कीजिएगा अपने यहाँ के इतिहास में भाई, हिंदुस्तान। ये ग्वादर बंदरगाह पे छुप गए थे सब। आप देखिए कराची का क्या हाल हुआ था उस समय, हमारे एयर नेवी ने क्या हाल किया था। पाकिस्तान का जितना जहाज बस मिल जाए कि भैया ये जहाज किसका है, तो भैया जब पता चले कि भैया ये जहाज पाकिस्तान का, ये हाल हो जा रहा था जहाज का। यहाँ देख लीजिए इनका पूरा ध्वस्त, भैया ऐसे मारा जाता है, हाँ बच्चा को बच्चा की तरह मारना चाहिए। इंडिया की नेवी ने भी हद कर दिया, बताइए इस तरह मारा जाता है, हाँ। यहाँ देख लीजिए पूरा का पूरा धज्जी उड़ा दिया इन लोगों को। अरे भाई बच्चा है, बिगड़ गया है तो थोड़ा सा आराम से ना मारिएगा, कि देख रहे हैं इस तरह से मारा पूरा पाकिस्तान के। कराची बंदरगाह उड़ गया, तो पाकिस्तान का तो इधर से तो पूरा का पूरा धज्जी उड़ा दिया। अभी शुरुआत हुई युद्ध के केवल 2 दिन हुए हैं, आप दिल थाम के रखिए, अभी युद्ध लंबा चलने वाला है। 3 दिसंबर को स्टार्ट किए, 4 दिसंबर को हम लोग लोंगेवाला धो दिए, अब 5 दिसंबर को कराची। अब पाकिस्तान ने ना भारतीयों को तबाह करने के लिए भारत का सबसे खतरनाक जहाज था आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत को बर्बाद करने के लिए ना इसने यहाँ से भेज दिया आईएनएस पीएनएस गाजी को। गाजी एक पनडुब्बी थी, उसको आदेश दिया गया कि जाके मार के आओ किसको, विक्रांत को, क्योंकि अगर विक्रांत जहाज डूब जाता तो वाकई उस समय हमको युद्ध जीतने में बहुत दिक्कत आ जाती। तो ये गाजी कैसे डूबा, इसको हम लोग एगो खराब जहाज से मार दिए। तो अब इधर समझते हैं कि जब उधर इतना भयानक धोए तो इधर कितना बुरा धोए होंगे, इसको बारे में हम लोग समझते हैं। भारतीय सेना अब पूरब की ओर क्या क्या काम की, इसको ध्यान से समझिए। ये मुक्ति वाहिनी जो थी बांग्लादेश की, वो अंदर ही पाकिस्तानी फौजियों को मार रही थी गली कुची में दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि इन पाकिस्तानी फौजियों ने वहां पर रेप किया, मर्डर किया, और इनका साथ दे रही थी इधर से हमारी इंडियन आर्मी और ऊपर से हमारा एयरफोर्स। ये तबाह कर दिए थे, इनको भागने के लिए भी जगह नहीं था। और इसी में इनका सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था इंडियन नेवी, क्योंकि इनको जो मदद थी, देखिए ये पूर्वी पाकिस्तान है, इनको मदद जब भी मिलेगी तो इधर से ही मिलेगा। अब बताइए यहाँ से तो कोई जाएगा नहीं, बेवकूफ़ भी नहीं होगा जो इधर से मदद करने जाएगा, रास्ते में ही एयरफोर्स मार के गिरा देती थी, ट्रक वगैरह जाएगा नहीं। तो नेवी से ये इन लोग मदद देते थे। भैया यहाँ पर जो इनके फौजी लड़ रहे थे उनको खाना पीना भी खत्म हो गया था, अब इनको बर्बाद कर दिया भारत। INS विक्रांत, INS विक्रांत उस समय का बहुत बड़ा जहाज था इस साउथ एशिया के देशों का, और यहाँ से उस इतना बड़ा जहाज था कि उसके ऊपर से लड़ाकू जहाजें उड़ती थी। वो एयरफोर्स यहाँ से भी बम मारता था, मिसाइलें मारता था, ऊपर से लड़ाकू जहाजें और हेलीकॉप्टर छोड़ देता था, जो ताकि मुक्ति वाहिनी को कोई दिक्कत ना आए। मुक्ति वाहिनी मारती थी और आर्मी पूरी तरह से उसने यहाँ से हमारा विक्रांत ने चटगांव बंदरगाह को तबाह कर दिया। अब बांग्लादेश का देखिएगा वर्तमान, उस समय तो पूर्वी पाकिस्तान था, ये चटगांव उस समय पाकिस्तानी आर्मी नेवी का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इधर हम लोग ने उड़ा दिया कराची, इधर उड़ा दिया हम लोग ने चटगांव। अब मुक्ति वाहिनी को कोई खास दिक्कत नहीं आ रहा था। अब पाकिस्तान ने कहा कि हर हाल में इस विक्रांत को बर्बाद करो। देखिए ये विक्रांत है, विक्रांत जहाज जो था इस पे से इसके ऊपर देखिए आपको लड़ाकू जहाजें दिखेंगी। PNS गाजी को क्या आदेश दिया गया था भाई कि तुमको जाना है और इस विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद इसी में डुबा देना है। अब पाकिस्तान वालों का इतना दिन तो अच्छा था नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसी को पता चल गया कि पाकिस्तान की पनडुब्बी वो समुद्र के अंदर अंदर चलती है, उसको साइलेंट किलर कहा जाता है। पाकिस्तान की पनडुब्बी चल दी है पश्चिमी पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी की ओर, ये अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर चल दिया। अब विक्रांत को बचाना हर हाल में ज़रूरी था, इसलिए हम लोग विक्रांत को छुपा दिए, मतलब थोड़ा सेफ्टी दे के रखने लगे। और इस PNS गाजी जो था, आप PNS गाजी को देखेंगे, PNS का मतलब था पाकिस्तानी नेवल शिप, PNS गाजी, ये मारने आ गया किसको? विक्रांत को। इस PNS गाजी को अगर कोई मार के डुबा सकता था तो वो था INS राजपूत। लेकिन ये जो INS राजपूत आप इमेज में देख रहे हैं, ये उस समय समस्या क्या था इस INS राजपूत के साथ, क्योंकि इसके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी और ये बिगड़ गया था, और बिगड़ के इसको विशाखापट्टनम पे बनाया जा रहा था, रिपेयर किया जा रहा था, इंजन ही गड़बड़ हो गया था। तो भारतीयों का यहीं पे दिमाग काम आया, भारतीयों ने सोचा क्यों ना हम PNS गाजी को खुद बुला के लाएं, कहाँ पर? विशाखापट्टनम पे। तो लोगों ने कहा कि भैया ये आएगा विशाखापट्टनम में कि आओ INS राजपूत हमको मार दो, तो कहा कि नहीं देखिए कैसे आएगा। भारतीयों को पता था कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के कुछ ना कुछ जासूस होंगे और वो पाकिस्तान को पल पल की खबर दे रहे होंगे। भारतीयों ने क्या किया, INS विक्रांत के जितने भी अधिकारी थे उनसे कहा कि आप लोग अपने अपने घर फ़ोन कीजिए कि हम विशाखापट्टनम आ रहे हैं, तुम लोग हमको छुट्टी मिला है, विशाखापट्टनम में 10 दिन रुकेंगे, हमारे लिए तुम लोग खाना पीना अच्छा से बनाओ। लड़कों से उन लोगों को खबर मिला दिया। विशाखापट्टनम में जितने मछुआरे थे उनको कहा गया कि आप लोग हट जाइए, बहुत बड़ा जहाज आने वाला है, बहुत बड़ा जहाज विक्रांत आ रहा है, यहाँ पर आप लोग खाली कर दीजिए, INS विक्रांत आ रहा है। यहाँ पर क्या किया गया, ऑर्डर दिया गया बहुत सारे फल, सब्जी, अंडा, ब्रेड कि भैया ये इतने बड़े जहाज के लिए जा रहा है, 6 महीने का खाना चाहिए। ये खबर आग की तरह फैल गई पाकिस्तानियों को। अब पाकिस्तान में खबर लग गई कि भैया INS विक्रांत यहाँ नहीं है, INS विक्रांत विशाखापट्टनम पे है। अरे बकलोलवा, विशाखापट्टनम पर PNS गाजी की मौत यमराज इंतजार कर रहा था INS राजपूत। ये गधा जो था PNS गाजी, ये मुड़ गया किधर की ओर? विशाखापट्टनम की ओर। और विशाखापट्टनम पर चुपचाप शांति से खड़ा हुआ जहाज INS राजपूत इंतजार कर रहा था, तो पानी के अंदर अंदर आओ, ये अभी बाहर निकला हुआ है, पानी के अंदर रहते हैं। और फिर INS राजपूत देखा कि ये आ रहे हैं, वो INS राजपूत को मारता कि इससे पहले ही INS राजपूत मार के तबाह कर दिया PNS गाजी को। PNS गाजी को डूबने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लग गया। पाकिस्तान को ये एहसास हो गया कि अब हम कभी नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ये PNS गाजी अमेरिका से ख़रीदा हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली पनडुब्बी थी जिसे कोई डुबा नहीं सकता था, और हम लोगों ने उसको इस जहाज़ से डुबाया जो जहाज़ खराब हो चुका था, जिसका इंजन खराब था। भारतीय सेना का मोराल पूरे 7वें आसमान पर था और पाकिस्तानी दिन पर दिन बर्बाद हो रहे थे। अब पाकिस्तानियों को लगा अब क्या करेंगे, तो पाकिस्तानियों ने अमेरिका में फ़ोन किया, भैया आप कुछ कीजिए। तो अमेरिका ने ना UNO में मुद्दा उठा दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, इसमें कह दिया पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म कर रहा है, मार रहा है। तो रसिया उस समय हमारा साथ दिया, कहा कि तू देर जानता है जुल्म कर रहा है, भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, हम इस प्रस्ताव के खिलाफ में वीटो करते हैं। वीटो अगर कोई देश, पांचवें देश को वीटो है, इस पर अलग चर्चा करेंगे, अगर किसी ने वीटो कर दिया तो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। तो पाकिस्तान की एक और उम्मीद यहाँ पर अपना दम तोड़ दी। अब पाकिस्तान कहा अमेरिका से कि भैया आप ही हमको बचा लीजिए। तो अमेरिका ना भारत पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला करने के लिए अपना सबसे खतरनाक जहाज भेज दिया, सातवां बेड़ा। देखेंगे सातवां बेड़ा को, अगर इतना भयानक था सातवां बेड़ा, ये अमेरिका का साथ अकेले चलता ही नहीं था, इतनी पूरी फौज के साथ, नेवी के साथ चलता था। ये किस लिए आया था? विक्रांत को डुबाने के लिए, और इसका साइज विक्रांत से डबल था, इसके आगे विक्रांत नहीं टिक पाता। अब इंदिरा गांधी भी टेंशन में रह गई। ले तब उस समय इंदिरा गांधी को याद आया कि भैया हमारा एक और तो हम समझौता करके आए हैं, अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे सकता है तो रूस से हम भी तो समझौता करके आए हैं। तो भारत ने रूस को कहा कि भैया अमेरिका इतना भयानक सातवां बेड़ा भेज दिया, आप हमारी मदद कीजिए। तो रूस ने कहा टेंशन क्या लेते हो, देखो हम बोलते हैं। रूस ने परमाणु पनडुब्बी भेज दी और रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। आप देखेंगे ये रूस का 40वां बेड़ा है। ये अपने भारी भरकम जहाज़ों के पूरे ग्रुप के साथ चल दिया, कहा कि चल भैया देखते तुमको कौन मारेगा भारत को। और अमेरिका को सीधा कह दिया कि भैया विक्रांत पर अगर आपने हमला किया तो ये हमला हम रूस पर हमला मान लेंगे। यहाँ पर खड़ा था भारत का विक्रांत और उसकी सपोर्ट में खड़ा था रूस का 40वां बेड़ा। और अमेरिका, रूस ने यमन से अपनी एयरफोर्स को भी कह दिया था कि भैया तुम भारत की देखभाल करना। तो भारत की सुरक्षा के लिए इतने लोग, और अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेके यहाँ मुँह देख रहा था, और ब्रिटेन ने भी अपने ईगल नाम के बेड़ा को भी भेज दिया था। तो ये दो लोग हमारे खिलाफ आ गए थे लड़ने के लिए। कितना, अब बताइए, हम लोग बांग्लादेश की भलाई सोच रहे थे, और अमेरिका का 7वां बेड़ा और रूस का, ब्रिटेन का ईगल हम लोग के खिलाफ था, और हमारा अपना विक्रांत और रूस की एयरफोर्स और उसकी 40वां बेड़ा हमारे साथ थी। ये पूरी तरह से बाउंड्री बना दिया था 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा का कहना था कि भैया हमारे जहाज पर ऑटोमेटिक मिसाइल लगी है, तुम अगर इधर आओगे तो हम मार देंगे तुमको। ऐसे ही रूस ने अपनी सारी पनडुब्बियों को ऊपर उठा दिया, समुंदर के ऊपर, ताकि सैटेलाइट से और दूसरी निगरानी से देखा जा सके। और यही हुआ भी। वो लोग रूस के इतने खतरनाक जहाज़ों के ग्रुप को देख कर घबरा गए, इतना घबरा गए कि ब्रिटेन ने कहा था वी आर टू लेट। ब्रिटेन का ईगल बेड़ा अमेरिका के 7वां बेड़ा से कह रहा है कि रे उधर मत जो, बहुत देर हो गया है, वो पहले पहुंच गया है रूस, अब मारेगा वहीं, तबाह हो जाओगे यहाँ पे। तो 7वां बेड़ा ने धमकी दिया कि हमारे जहाज में परमाणु बम लदे हुए हैं। तो 40वां बेड़ा ने रिप्लाई किया था कि हम भी जब चले थे ना तो परमाणु बम लादे के चले थे, और गिनती जब कर रहे थे तो हम भी गिनती किए थे 250 हमारे पास भी परमाणु बम था, लेकिन इतना ज्यादा था कि सोचे कि कौन गिनेगा, बाद में गिनेंगे, आ जाओ देखते हैं किसके पास। तो रूस से और इधर शेख मुजीबुर रहमान की जो मुक्ति वाहिनी थी वो अपना काम कर रही थी। अब भारत आर पार की लड़ाई में था, पाकिस्तान हर मोर्चे पर हारते जा रहा था। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने एक प्लान बनाया। उन्होंने एयरफोर्स को पूर्वी पाकिस्तान, यानी जो अभी बांग्लादेश है, तो ढाका के ऊपर एयर ड्रॉप करा दिया, हवाई जहाज से सैनिकों को उतार दिया। और उन सैनिकों की भेष में, उसमें सैनिक कम थे और उसमें केवल पुतलों को नीचे उतारा गया था। ये केवल इंडियन आर्मी जान रही थी कि पुतला नीचे उतरा है सर, लेकिन मीडिया ने तो इसको, खबर को आग की तरह फैला दिया। और इसमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे हाथ जोड़कर बीबीसी न्यूज़ का। और बीबीसी ने ये छाप दिया कि इंडियन एयरफोर्स ने ढाका पर 5000 एयर ड्रॉप करा दिया फौजियों को। अब ये गली गली खोज खोज के पाकिस्तानी फौजियों को मारेंगे कि तुम क्यों मार रहे हो हमारे बांग्लादेशी भाइयों को। और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी वैसे ही उनके पीछे पड़ी हुई थी पाकिस्तानियों के। अब पाकिस्तानियों का पूरा मनोबल टूट गया, पाकिस्तानी गली गली सोचिए, ये पुतला से डर जा रहे थे सब, रियलिटी में ये फौजी नहीं थे, ये पुतला गिराया गया था एयर ड्रॉप करके। अब वो लोग डर के मारे भाग गए यहाँ पर। अब एयरफोर्स ने देखा कि उसके ये छोटे से वैज्ञानिक दबाव का इतना खतरनाक असर पड़ा है। एयरफोर्स ने कहा कि अब एक काम करते हैं, अब आर पार को अब ठोक डालते हैं पाकिस्तान को, अब जो होगा सो देखा जाएगा। एयरफोर्स ने बांग्लादेश के जो गवर्नर थे उनके घर पे हमला कर दिया। अब वो घर में नहीं थे, वो तो बच गए। बचने के बाद डर क्या होता है, देखिए डर किसको कहा जाता है। जो उनके गवर्नर हाउस थे AH मलिक, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, भैया जिंदगी रहेगी तो बहुतें नौकरी करेंगे, डर के मारे त्यागपत्र दे दिया। सोचिए गवर्नर, क्योंकि पाकिस्तान का एक राज्य ही तो था पूर्वी पाकिस्तान, जैसे हमारा एक राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वहाँ पे भी गवर्नर होते हैं ना, संवैधानिक हिसाब से गवर्नर मालिक होता है उस जगह का। त्यागपत्र दे दिए। सोचिए ये डर था उनके अंदर। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जनरल तो हमारे मानेकशॉ थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे जिन्हें बांग्लादेश जीतने की जिम्मेदारी दी गई थी, मतलब उसे सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से बात किए और उन्हें कहे कि हम आपको आधा घंटा का टाइम देते हैं और आप इस आधा घंटा में विचार कीजिए आप सरेंडर करते हैं कि नहीं। अगर आप सरेंडर कर देंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके सैनिकों को जिंदा रखा जाएगा, और अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, देखिए गवर्नर साहब के घर है, कोई ठीक नहीं है, आपके घर पे भी यही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप हमारे सामने सरेंडर नहीं करिएगा तो याद रखिए हम अपने हमले को 10 गुना और तेज कर देंगे। और हाथ तो आप चारों ओर से गए हैं। भारत चाहता था कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब ये अंतर्राष्ट्रीय मैटर हो चुका था। अब अमेरिका अपना नाक पे ले लिया था कि भैया हमारा जहाज मार के गिरा दिया, PNS गाजी उसी की पनडुब्बी थी, वो तो पाकिस्तान को दिया, 7वां बेड़ा को नहीं घुसने दिया, तो अमेरिका की किरकिरी हो रही थी। ब्रिटेन के ईगल को घुसने नहीं दिया, उसकी किरकिरी हो रही थी। और भारत को उस समय लोग कहते कि ये गरीब देश है, अभी अभी आज़ाद हुआ है, 1971 में हमारी यही हाल थी। और सारे लोग कह रहे थे, हम उसको गरीब समझ रहे थे, रोवा के रख दिया अमेरिका को, हर जगह धो दिया पाकिस्तान को। अब बेचारे नियाजी क्या कर सके। नियाजी को आधे घंटे का टाइम दिया गया। 16 दिसंबर 1971, याद रखिएगा दिन 16 दिसंबर 1971, ये हमारे इतिहास का 13 दिन के युद्ध में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था, क्योंकि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने युद्ध स्टार्ट किया था और 16 दिसंबर को हम लोगों ने जनरल नियाजी से आत्मसमर्पण करवा लिया। और आत्मसमर्पण आप देखना चाहेंगे जनरल नियाजी का। जनरल नियाजी, इन्होंने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण साइन किया, और साइन करने के बाद बांग्लादेश के ढाका रेस कोर्स में इन्होंने साइन किया, और इनकी आँखों में आंसू था। एक देश के सेनापति के लिए इससे शर्म की बात क्या है जो गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड करा दिया। गिनीज बुक में कैसे, देखिए पाकिस्तान के लोग हम चाइना के वीडियो बनाए थे, उस पर कमेंट कर रहे थे कि इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर सकती। देखो बांग्लादेश तुम्हारी बहादुरी का जीता जागता उदाहरण है। तुम्हारे यहाँ का 93,000 फौज, सोचिए 93,000 सैनिक पूरी दुनिया में आज तक आत्मसमर्पण नहीं किया, ये 93,000 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। देख लीजिए, ये अपना बंदूक फेंक दिए, अपने स्टार नोच के उतार दिया कि भैया हम लीजिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं, बेल्ट उतार के दे दिया, अब चलिए जहाँ ले जा रहे हैं, जितना लाठी मारना है हमारी आत्मसमर्पण। ये वही पाकिस्तान है, याद रखिए आप, याद कीजिए हमारे 120 सैनिकों ने आपको धूल चटा दिया था लोंगेवाला में। केवल 2 सैनिक मरे थे लोंगेवाला में, और पूरी की पूरी आपको भगा दिया था 4 दिसंबर को ही। और आप याद कीजिए बहुत बहादुर बनते हैं ना, 93,000 फौज आपकी हार के गई है यहाँ से। इतना बड़ा हार दुनिया में आज तक कहीं का नहीं हुआ है। 93,000 सैनिक सरेंडर करके गए हैं भारत के सामने से, क्या बात कीजिएगा आप हमारे सामने। तो ये है गिनीज बुक में नाम है, ये तो है भैया पाकिस्तान की आर्मी, एक तरह से गिनीज बुक में नाम है ना जी। भले हारने से नाम है तो क्या हुआ, पाकिस्तान के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि भैया गिनीज बुक के नाम है। अब इन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, बाद में हम लोगों ने इन्हें छोड़ भी दिया था। और इस सरेंडर के बाद बांग्लादेश के जो मुक्ति वाहिनी थी उसके चेहरे पर ये मुस्कान थी कि बांग्लादेश अब स्वतंत्र हो गया। ढाका, इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट था, ढाका स्वतंत्र राजधानी है स्वतंत्र बांग्लादेश की। ये खुशी थी बांग्लादेशियों के चेहरे पर, जिनकी बहनों की इज्जत आबरू लूट ली गई थी उन्हीं देश की फौजियों के द्वारा। जिनके ये जो नियाजी थे, जब इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजा गया था बांग्लादेश में, तो ये नहीं पूछे थे कि बांग्लादेश का स्थिति क्या है, ये पूछे थे कि जिन लड़कियों का रेप हुआ है वो कहाँ है, सब दिखाओ तो, मतलब ये भी जाके करेंगे, ये हाल था। ये इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बाद फिर मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया गया। भारत ने जो अपना वादा किया था कि शेख मुजीबुर रहमान को स्वतंत्र करेंगे, बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाएंगे, उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, भारत ने अपने वादा को पूरा किया। आज शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की कमान संभाले हुई है। शेख हसीना, जब हमको याद है जब वो भारत आई थी तो एयरपोर्ट पर, तो मोदी जी एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे, जबकि ऐसा नहीं होता है। शायद ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया में कोई बड़े देश का राष्ट्रपति रिसीव करने जाए, प्रधानमंत्री रिसीव करने जाए। तो भारत अपने पड़ोसियों का इतना ख्याल रखता है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, सबके साथ। अभी हाल फिलहाल में नेपाल के लोग थोड़ा गुस्सा हैं लिम्पियाधुरा काला पानी को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा नेपाल के साथ कोई खराब रिश्ता है। हमारा नेपाल के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है। बांग्लादेशियों के साथ हमारा बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। आज हमारे बांग्लादेश के साथ बहुत ही मधुर संबंध है। और बांग्लादेश को जो पाकिस्तान के लोग कहते थे ये किसी काम लायक नहीं है, ये वाले भाई लोग पाकिस्तान से आगे निकल गए। आज इनका मलमल का कपड़ा, जूट और पाम ऑयल पूरी दुनिया में फेमस है। जहाज़ों की मरम्मत में, मतलब जहाज़ के रिपेयरिंग में बहुत आगे निकले हैं बांग्लादेश के लोग। आई होप आप समझ गए होंगे। इस युद्ध के बाद अगर भारत चाहता तो भारत पाकिस्तान के पश्चिमी भाग को भी कब्जा कर लेता, क्योंकि यहाँ तो हम लोग हराए ही थे। उनके 93,000 फौज तो हम लोग जिंदा पकड़ लिए थे। हम उन्हीं को कह देते बंदूक लगा कि कश्मीर खाली करो, हमारा यहाँ से वापस जाओ। लेकिन बावजूद हमने इंसानियत दिखाई थी पाकिस्तान के ऊपर। इसका बदला ये पाकिस्तान ने हमें क्या दिया पता है? 26/11 हम संसद भवन पर अटैक, तो कभी अमृतसर में अटैक, कभी मुंबई में बम ब्लास्ट, कभी 26/11 का हमला, ये सब हुआ। हम चाहते तो उस वक्त भी जीत सकते थे। ये पाकिस्तान वाले आप जो कहते हैं कि हमारे हम बहुत बहादुर हैं, भारतीय सेना हमारा क्या कर सकती है, तो भारतीय सेना की रहमो करम पर आप लोग जिंदा थे, वरना 1972 में ये जो सेना थी ना 71 में आप लोग को कहीं का नहीं छोड़ती। आप हिंदुस्तान के व्यूवर्स आप लोगों से भी कहते हैं कि एक लाइक तो बनता है इस सैनिकों के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे इस चैनल के लिए। कभी नहीं कहेंगे कि खान GS रिसर्च सेंटर चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हम ये कभी नहीं कहते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आज एक लाइक बनता है हमारे इन वीर सिपाहियों के लिए जो आज भी सेना के लिए डटे हुए हैं। और ये पाकिस्तान इस पर कमेंट करते हैं। हम आप भारतीयों से कहते हैं आप हिंदुस्तानी हैं तो इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करना है आप शेयर कीजिए, ताकि आपके बच्चों बच्चों तक को ये पता चल सके कि हमारे सैनिक कितने बहादुरी हैं, कितने बहादुरी से लड़े थे हमारे सैनिक, कितने बहादुर हैं। और इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि पाकिस्तान तक पहुँचे और वहाँ का बच्चा बच्चा इस वीडियो को देखे, ताकि उनके अंदर भारतीय सेना का जो डर है वो बैठे। ये डर जरूरी है उनके अंदर, ये डर उनकी हड्डियों तक जाना चाहिए। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पाकिस्तान तक पहुंचाइए, पूरी दुनिया में पहुंचाइए कि हमारे वीर सिपाही कितनी बहादुरी से लड़े थे। और हाँ, कोई भी देश के हो, हर देश को अपने सैनिकों के लिए सम्मान करना चाहिए। हम ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताएं, हम अपने सैनिकों की वीर गाथा बताएं जो A to Z अक्षरशः सही चीज़ें हैं। समझ में आया? आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साथ बोलिए आप लोग, भारत माता की जय। पाकिस्तान के युद्ध का जो हम सीरीज बना रहे हैं, आज 71 का युद्ध बढ़ाएं, हम आपको कल 1948 का युद्ध बता देंगे, 65 का, 65 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद ने जो बहादुरी दिखाई, फिर आपको हम 84 का सियाचिन, 99 का करगिल और 62 की चाइना युद्ध के बारे में भी बता देंगे। याद रखिएगा, चाइनीज और पाकिस्तानी इस वीडियो को डिसलाइक जरूर करेंगे, आप उन पर भारी पड़िएगा। ये वीडियो आप संभाल के रखिएगा, अपनी पीढ़ियों को दिखाइएगा कि हमारी सेना कितनी बहादुर थी। एक सैल्यूट हम अपने वीर जवानों के लिए। অনেক বড় একটা ভিডিও। এই ভিডিওতে যেটা হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় আমাদের দেশে যে যুদ্ধ হয়েছে তার বাহিরে আমাদের যে প্রোটেকশনগুলো ছিল এইটা নিয়ে মূলত সে আসলে আলোচনা করেছে। ইন্ডিয়া এবং বাহিরের দেশগুলোর মধ্যে যে ধরনের সমস্যা চলছিল, সমস্যাগুলো চলছিল ওগুলা নিয়ে বেশি আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের ভেতরে মুক্তি বাহিনীর যে কর্মকাণ্ড ছিল কিংবা যে ধরনের তাদের সংগ্রাম ছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। তবে হ্যাঁ, আমাদের এখানে যে অত্যাচার হয়েছে এবং সেটা যে নৃশংস ছিল সেটা কিন্তু সে অনেকবার বলেছে যে পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের উপর অনেক নৃশংস অত্যাচার করেছিল। এবং আর সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের সেনাবাহিনী তো ওরকম ছিল না। আমাদের এই পূর্ব বাংলা থেকে কিন্তু কখনোই ওরা সে মানে সেনাবাহিনীতে লোক নিত না, তো অল্প কয়েকজন ছিল আমাদের। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমাদের তো সেনাবাহিনীর লোক ছিল না। আমাদের কিন্তু কৃষক, যুবক, যারাই স্টুডেন্ট সবাই কিন্তু নিজের বাড়ি থেকে সাধারণ জনগণ ছিল, তারা বর্ডার পার হয়ে ওই পাশ থেকে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ওদেরও অনেক বড় অবদান আছে, যা আমাদের দেশের মানুষকে সে তারা যে বন্দুক ধরা থেকে শুরু করে সবকিছু শিখিয়েছিল। তাছাড়া 10 লাখ লড়াই করতে হবে, কারণ এই 93,000 আমি বলবো যে শেষের যে 93,000 সৈনিক স্যালেন্ডার করলো, এর আগেও তো অনেক পাকিস্তানি সৈনিক ছিল, হয়তো আমরা আরও অনেককে মেরে ফেলেছি। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু এই যে জানা না জানা সৈনিক, তারা এতগুলো লোককে সামলানো আসলে আমাদের জন্য অনেক মানে টাফ হতো। তারপর আমাদের মনোবল কিন্তু সবসময় অনেক অনেক বেশি ছিল, না থাকলে আজকে আমরা এই স্বাধীন দেশে থাকতে পারতাম না। तो आमादेर पूर्वपुरुष अवश्य तारा जाराई बोलबो मुक्तियोद्धा बा तादेर परिवार सबाई किन्तु सेरकम साहसी छिलो। आजके साहसी ना होले आमरा आजकेर एई अवस्थाय थाकताम ना। आर आमादेर देश एतो किछु सह्य करार परेओ आमादेर किन्तु किछुई छिलो ना। तारपरे आजके आमरा जे जे पर्याये उठे एसेछि पाकिस्तानेर থেকে आमादेर অর্থনীতি অনেক ভালো এবং এমনকি आमादेर पाशेर देश इंडिया থেকেও আমরা এখন যথেষ্ট ভালো আমাদের অর্থনীতিতে। তো সেই ক্ষেত্রে বলবো আমাদের স্বাধীনতার বিজয় দিবসের এতদিন পরে এসেও আমরা একটা ভালো পজিশনে যেতে পেরেছি। আর আশা করব আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের আরও অনেক সামনে নিয়ে যাবে। আর এইসব জিনিসগুলো জানবে মুক্তিযুদ্ধের সময় আসলে কত কিছু ভয়ানক ঘটনা ঘটেছিল আমাদের সঙ্গে, যে ধরনের কঠিন অত্যাচার হয়েছিল এবং আমরা সেসব অত্যাচার সহ্য করে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা আমাদের চাচা মামা আঙ্কেল যারা ছিল তারা অনেক রক্ত দিয়ে তারপর আমাদেরকে এই স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। আমরা ৩০ লক্ষ মানুষ হারিয়েছি আর অসংখ্য মা বোনের ইজ্জত এটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। এই খান জিএস রিসার্চ সেন্টারের যিনি বলল উনি কিন্তু অনেক ভালোভাবে বলেছে যে আসলে আমাদের উপরে কত নির্মমভাবে অত্যাচারগুলো হয়েছিল। আর অ্যাকচুয়ালি আমরা তো বই খাতাতে পড়ে এসেছি না, ছোটবেলা থেকে আমরা আমাদের অনেক স্বাধীনতার গল্প বা যেগুলো হিস্টরি আছে আমরা ওগুলো কিন্তু পড়ে এসেছি। তারপর হচ্ছে আমরা আমাদের যে সিনিয়র আছে যারা বয়স্ক আছে তাদের কাছ থেকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনেছি। তো যাই হোক, খান জিএস রিসার্চ সেন্টারের ভিডিও দেখে আমরা আসলে অনেক কিছু জানতে পারলাম যেগুলো আসলে আমাদের জানা ছিল না, যেগুলো হচ্ছে দেশের বাইরে হচ্ছিল তার অনেক কিছুই হয়তো আমাদের জানা ছিল না, যেগুলো এখন জেনে গেলাম। তো আশা করি আমাদের আজকের ভিডিওটি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে। আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন আর অবশ্যই সবার সঙ্গে শেয়ার করবেন। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের সবাইকে আবারও বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।